الحليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اللهم صل على محمد محمد ولاية ولا اور ولی کے عنوان پر آپ یہ چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ مسلسل اسی لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں بعض مسائل جو انسان کے لیے تنہائی میں تشویشناک ہو جاتے ہیں, خصوصاً بدلتے ہوئے معاشرے کے ساتھ, تو انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تشفی بخش جواب ملے, کوئی تسلی بخش حل ملے اور وہ مطمئن ہو جائے. اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت وہ دولت یقین ہے. یعنی کسی مسئلے میں انسان کو اتنا یقین ہو جائے, اتنا کانفیڈینس ہو جائے, اس کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے, تو بس یہ ایمان کی نشانی کہ جو مومن کے دل میں صورت یقین لے لیتی ہے اور اس طرح سے انسان اپنی آنے والی زندگی میں مدارج عرفان اور وجدان کو Yeah.
ये तो आप समझ चुके, ये अच्छी तरह से आपको अब याद हो चुका कि विलायत के माने हैं नज़दीकी। विलायत यानी क़ुर्बत, अल्लाह का वली यानी अल्लाह से करीब, आपका वली आपसे करीब, आप किसी के वली हैं यानी आप किसी से करीब हैं, यतीम बच्चे का वली मतलब ये कि वो जो सबसे ज्यादा करीब तर है रिश्ते में वो वली है। बिल्कुल इसी तरह ये लफ्ज़ मुतलकन नज़दीकी के लिए है, क़ुर्बत के लिए है कि विलायत बमाना है क़ुर्बत। तो ये भी कल गुफ्तगू हो चुकी थी और इस पर मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये क़ुर्बत मोमिनीन से है जैसा कि विलाए आम की तारीफ में कल कह रहा था कि अल मोमिनूना वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया, काबिल गुफ्तगू है तो वो मकानी भी है और जमानी भी है, यानी वहां वक्त भी है मकान भी है कि कहां किससे कौन कितना करीब है ये। मगर अगर यही गुफ्तगू जाते वाजिब की निस्बत से हो कि वो अल्लाह से करीब है तो जाहिर है ना वहां मकान है न जमान, कुर्बत है मगर न वहां मकान है न जमान है। ये बहस हो चुकी थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुर्बत की हम तारीफ कर चुके के लुगत में, और रागिब अस्फहानी ने मुफरदातुल कुरान में वली की तारीफ करते हुए कहा है कि कोई किसी के पहलू में बैठ जाए, मुत्तसिल बैठ जाए, तो उसको कहेंगे कि वो उसका वली है। ये उनकी इस्तेलाह में, उन्होंने कहा अरब की इस्तेलाह में ये है कि वो इस तरह से बैठा है जैसे वली है, नजदीक बैठने वाला, यानी जिसके दरमी जिनके दरमियान कोई फासला ना हो। तो अब एक नया लफ्ज आया, वो ये जो मुत्तसिल हो जाए वो वली है। अब मुत्तसिल मकानी और जमानी है अगर महफिल में बैठा है, और अगर नहीं अल्लाह के ताल्लुक से है तो इतना मुत्तसिल हो, इतना मुत्तसिल हो ला मकान से ला जमान से कि जहां उसका कल्ब उसको ये हिदायत करे कि ये इत्तेसाल न जमानी है न मकानी है न वक्ती है न आनी है न फानी है न ये इत्तेसाल जिनसी है न ये नौई है न ये लफ्जी है न ये मुफरद है न ये मुरक्कब है, ये जब कुछ भी नहीं है तो ये आकर इत्तेसाल क्या है। यहां से आज तकरीर शुरू हो रही है कि विलायत किस इत्तेसाल को कहते हैं, विलायत किस इत्तेसाल को कहते हैं, विलायत हा अल्लाह से मुत्तसिल है, अल्लाह से मुत्तसिल है तो वो इत्तेसाल क्या है। उसके लिए एक छोटा सा लफ्ज आज दिमाग में और उसको जगह दे दीजिए, वो है इत्तेसाल बिल गैब। इत्तेसाल बिल गैब यानी जिसको न देखे उससे मुत्तसिल हो, जो गायब हो उससे मुत्तसिल हो,
जो नजर से पोशीदा हो उससे मुत्तसिल हो। इत्तेसाल बिल गैब विलायत की रूह रवां है। अगर इंसान विलायत आम्मा से हटकर विलायत खासा पर जाए कि जो अल्लाह ही के लिए है और उसके दोस्तों के लिए है, तो फिर वहाँ इत्तेसाल बिल गैब लाजिम है, और इत्तेसाल बिल गैब पर कोई मुसलमान एतराज नहीं कर सकता, इसलिए कि मुसलमान कुरान मजीद को जब शुरू करता है तो पहली आयत ये पढ़ता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैब। गैब पर ईमान रखना उसी वक्त मुमकिन है कि कोई गैब से मुत्तसिल भी हो जाए, वरना ईमान बिला अमल होगा। ईमान होगा बिला अमल होगा, ईमान होगा मगर उसमें किसी मंजिल पर भी इंसान तरक्की नहीं कर सकेगा, जमूत पैदा हो जाएगा जब तक कि वो ये तय न करे कि हम ईमान रखते हैं और इसलिए इस ईमान की बिना पर इत्तेसाल चाहते हैं, इत्तेसाल चाहते हैं, मुत्तसिल होना चाहते हैं। नज़दीक हैं और नज़दीक और नज़दीक और नजदीक, इसलिए कि ज़ाते वाजिब लामहदूद है। आप कहाँ तक नजदीक होंगे इसका कोई तसव्वुर आप नहीं कर सकते, मगर ये कि इतना मकाम दुनू हो, इतनी नजदीकी हो, इतना तकर्रुब हो कि जहाँ बेइख्तियार आप अपनी तन्हाइयों में ये समझें कि मैं अकेला नहीं हूँ, किसी गैब से मुत्तसिल हूँ, और इस गैब से इत्तेसाल की कैफियत कैफियत विलायत है कि जहाँ ये दर्जे कमाल पर पहुँच जाए तो ऐसा मालूम हो कि बंदगी में हुजूरी है, ऐसा मालूम हो कि रुकू कर रहा है और किसी की बारगाह में है, जहाँ ऐसा मालूम हो कि वो सजदे कर रहा है और किसी को हाजिर और मौजूद जान रहा है। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि इत्तेसाल बिल गैब हो, कोई गैब से मुत्तसिल हो। अब एक अजीब बात यह है कि जाहिर को गैब से ताल्लुक क्या है, एक दूसरा मसला यह है कि जाहिर को गैब से क्या ताल्लुक है, तो यह मसला भी आपको परेशान न करे, इसलिए कि यह आने वाहिद में तय हो जाएगा। इसलिए कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए कुछ निशानियां हैं, जमीन में भी और तुम्हारे नफ्सों में, व फिल अर्द आयात लिलमूकिनीना व फी अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम में बसीरत नहीं है। तो अगर बसीरत हो और कोई अदक सवाल आ जाए तो पहले अपनी जात पे गौर करो, ये कुरान का दिया हुआ नुस्खा है, पहले अपनी जात पे गौर करो कि आपकी जात में कोई चीज जाहिर है कोई चीज गायब है, कोई चीज जाहिर है कोई चीज गायब है आपकी जात में नहीं। देखिए जब आप किसी इंसान की ये खबर पाते हैं कि वो मर गया, और अगर आप को मौका मिले वहाँ ताजियत का और मैयत रखी हुई हो तो उस फर्श पर जहाँ वो मैयत पड़ी हुई है, अगर आप जाके उसके चेहरे को देखें तो आँखें हैं, नाक है, पेशानी है, कान है, हाथ हैं, पाँव हैं,
जिस्म पूरा मौजूद है, जो जाहिर है वो है। जो जाहिर है वो है, जो बातिन शय थी, जो सबको कंट्रोल किए हुए थी, यानी वो थी तो आंखें देख रही थी, वो थी तो कान सुन रहे थे, वो थी शय तो इंसान का दिल काम कर रहा था, हवास काम कर रहे थे, हाथ में बस तो कुशात की कुव्वत थी, पांव चल रहे थे, मगर जाहिर न थी वो शय। तो जिसको जाहिर पाया उस जसद को तो मुर्दा पाया, और जिसको आप बातिन समझ रहे हैं वो अब नहीं है। यानी वही जिस्म है, वही आंखें हैं, वही पेशानी है, वही हाथ है, वही पांव है, मगर आपने कहा जैद अच्छा आदमी था, जिस्म सामने रखा हुआ है और आपने कहा था जैद अच्छा आदमी था, तो है को था किसने बनाया, है को था किसने बनाया? फकत उस गैब ने कि जिसको हटा लिया गया, और जब वो इत्तेसाल टूट गया तो फिर जाहिर तो रहा मगर मैयत की सूरत में, और वो बातिन हट गया, बातिन हट गया, और आपने कुरान मजीद में देखा अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीना मौतहा, सूरह ज़ुमर, अल्लाह नारे सलवात, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीना मौतहा, अल्लाह नफ्सों को उठा लेता है मौत के वक्त, जिस्म को छोड़ देता है, नफ्स को उठाता है। नफ्स गायब है, जिसको रूह कहते हैं, नफ्स गायब है, जो सर से लेके पांव तक अब है, जिसके होने से आप हैं और जिसके न होने से हम किसी को कहते हैं था। तो अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीना मौतहा वल्लती लम तमुत फी मनामहा, और जो लोग नहीं मरते उनकी नींद के आलम में उनके नफ्सों को उठा लेता है। फयुम्सिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत, उस नफ्स को ऊपर रोक लेता है जिसके जिस्म पर मौत को वाजिब कर देता है। वयुर्सिलुल उकरा इला अजलिम मुसम्मा, और जिसको कोई झिंझोड़ के चौंका देता है उसके नफ्स को जिस्म में वापस कर देता है। इसमें कुछ आयतें हैं उस कौम के लिए जो फिक्र से काम ले। में कुछ आयतें हैं उस कौम के लिए जो फिक्र से काम ले। तो नफ्स को उठा लिया तो मौत, मौत। तो नफ्स और जिस्म का इर्तिबात क्या इत्तेसाल बिल गैब नहीं है? मेरे सिलसिले कलाम को देखते जाइए, क्या जिस्म और नफ्स का इर्तिबात इत्तेसाल बिल गैब नहीं है? आप बैठे हुए हैं मगर गैब से मुत्तसिल हैं। आपके नफ्स में मिसाल मौजूद है कि आप गैब से चस्पीदा हैं, गैब से लिपटे हुए हैं, गैब के साथ साथ हैं, और इतना साथ है वो गैब न रहे तो ये जाहिर मैयत है। अब इस तरह से लाजमी करार दिया
कि कोई गैबुल गैब है, कोई कमाल गैब में है कि जिससे इत्तेसाल तुम्हारी हयात जावेदानी है। अगर वो इत्तेसाल बाकी न रहे तो तुम चलती फिरती मैयते रहोगे। अगर वो इत्तेसाल बिलगैब न रहे तो ये हरकत करते हुए लाशें रहेंगे और कुछ नहीं, जैसे कि जिस्म का नफ्स से इत्तेसाल है, इसी तरह से नफ्स इंसानी का उस गैबुल गैब से इत्तेसाल है, और ये इत्तेसाल बिलगैब मकाम विलायत है। अब आप समझ गए विलायत की तारीफ। ये इत्तेसाल बिलगैब मकाम विलायत है कि तन्हाई में इंसान अपने को तन्हा न महसूस करे, जहां नफ्स मुत्तसिल हो जाए वहां नफ्स को यकीन हो कि मेरा तो सहारा है। मेरा तो सहारा है, मेरा मलजा है, मेरा मावा है, मेरे लिए कोई सरपरस्त है, मेरे लिए कोई निगरान है। तन्हाई सी तन्हाई हो, मगर चूंकि नफ्स गैब से मुत्तसिल है, इसी तरह से मुत्तसिल है जैसे जिस्म रूह से मुत्तसिल है। अब आप समझ गए, तो इत्तेसाल बिल गैब का तजरबा आम है, आम है। अब ये और बात है कि विलायत की मंजिल पर कोई ना माने, तजरबा तो आम है कि हर इंसान गैब से मुत्तसिल है, हर इंसान गैब से मुत्तसिल है। अगर यही जाहिर जिस्म को, अगर ये जाहिर जिस्म को इंसान कहते हैं, अगर ये जाहिर है जिस्म को इंसान कहते हैं, तो रूह निकल जाने के बाद भी उसको कहिए कि जायद है। ये है को जब आप था में बदलते हैं और माजी कर देते हैं हाल को, तो उस वक्त पता चलता है कि इसमें कोई गैब की कुव्वत थी जिससे ये मुत्तसिल था, जिसके न होने से अब ये बेजान है। बिल्कुल उसी तरह हम चलते फिरते होंगे, हम खाते पीते होंगे, लेकिन अगर हम इत्तेसाल बिलगैब न रखें और रुख हयात अगर मौला की तरफ ना हो, रुख हयात अगर मौला की तरफ ना हो, तो ये सब मैयते हैं, जो चलती फिरती मैयते हैं। ये खाते और जीते हुए बजाहिर दुनिया में आदमी जो नजर आते हैं, खाते पीते और जीते हुए आदमी, ये हकीकत में इरशाद फरमाया अमवातुन, ये मैयते हैं। जिंदा ना समझो, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, ये सूरह जासिया की एक आयत है और बड़ा अहम सूरा है ये कुरान का। इरशाद हुआ कि वो लोग जो ईमान और अमल सालेह की मंजिल पर हैं, क्या उन लोगों को हम उन लोगों के साथ ला के खड़ा कर दें कि कल्लज़ीन अजतरहु सय्यात, जो मुसलसल गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। सामा यहकुमून, क्या बुरा फैसला है, सवाउन महयाहुम व ममातुहुम, इनकी मौत हयात दोनों हमारे पास एक है। क्या ये समझ रहे हैं गुनाह पर गुनाह करने वाले के ईमान और अमल सालेह करने वालों की जगह हम उनको दे देंगे? नहीं, इनकी हयात और मौत एक है, ये जिंदा हो तो क्या, मुर्दा हो तो क्या। देखिए, मैंने एक अजीब लतीफ़ मफहूम को आज की तकरीर में जाहिर किया है। मैं
चाहूंगा कि ये हर तरह से आपके जहन में आ जाए, हर तरह से जहन में आ जाए, इसलिए कि हमारे लिए अकीदे की बुनियाद है ये फिक्र। मालूम नहीं क्या बात हुई, बहरहाल यही तय पाया कि आज ये बहस छिड़ जाए ताकि आने वाले तकारीर में जो इस सिलसिले की तकरीरें हैं आपको जो बुलंद मनाजिल हैं उसको तय करने में आसानी हो। आज हम किस मंजिल पर पहुंच रहे थे, फिर शुरू से विलायत कुर्बत है, कुर्बत इत्तेसाल है, और अगर ये कुर्बत अल्लाह से हो तो जाहिर है वो इत्तेसाल बिल गैब है। इत्तेसाल मकानी नहीं है, इत्तेसाल जमानी नहीं है, इत्तेसाल बिल गैब कोई नादर चीज नहीं है, कोई हैरान करने वाली चीज नहीं है। हर इंसान का तजुर्बा है कि उसकी का जिस्म उसकी नफ्स से उसकी रूह से मुत्तसिल है जो गायब है, जो गायब है, जिसके मुताल्लिक खुद वो नहीं बतला सकता कि अब जो मैं बैठा हुआ हूं तकरीर सुनते हुए मेरा नफ्स कहां है, वो नहीं बतला सकता। पेशानी में है, आंख में है, नाक में है, कान में है, किस मकाम पर है उसका नफ्स वो मुअय्यन नहीं कर सकता। अपने नफ्स की जगह इतना लामकान बना रहा है अपने नफ्स को, इतना लामकान बना रहा है अपने नफ्स को कि आने वाहिद में वो पूरे जिस्म में पा रहा है, पूरे जिस्म में पा रहा है कि अगर आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो नफ्स सुन रहा है, आप मुझे देख रहे हैं तो नफ्स देख रहा है, और ऐसे में अगर जरा सी उलझन हुई और आपको किसी कीड़े ने काटने की कोशिश की तो फौरन आप मुतवज्जे हो गए कि मेरे पाओ को तकलीफ हुई, यानी मैं आंखों में भी है वो, मैं कान में भी है वो, मैं दिल में भी है वो, मैं पाँव में भी है, हर जगह आपने उस नफ्स को पाया। तो अपने नफ्स को लामकान समझने वाले अपने खुदा को लामकान नहीं समझ, तो इस तरह से अगर वो लामकान, अगर वो लामकान तो लामकान से इत्तेसाल इसी तरह मुमकिन है जैसे जिस्म का रूह से इत्तेसाल। यानी अब हम गायब से मुत्तसिल हैं, अब हम गायब से मुत्तसिल हैं, यानी वो गायबुल गायब है, वो गायबुल गायब है, वो नजर में नहीं, जहन में नहीं, फिक्र में नहीं, शऊर में नहीं, अकल में नहीं, वहम में नहीं, बयान में नहीं, इजहार में नहीं, हर तरह से गायब है, हर तरह से गायब है। मगर हुक्म यह है, हुक्म यह है कि उधर से अपने रुके हयात को न फेरो, उस तरफ से अपने रुके हयात को न मोड़ो। वज्जह तो वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाती वल अर्ज़, मेरा रुके हयात उसी की तरफ है जो जमीन व आसमान का खालिक है। देखिए अब ये वज्ह है, रुके हयात ये गैब है, ये चेहरे को नहीं कहते, ये हयात का रुख नहीं है, ये तो आपका रुख है। मैं एक एक मंजिल को वादे कर रहा हूं, ये आपका रुख है, मगर हयात का रुख वो है जहां दिल मुतवज्जे हो, जहां सिमत न हो, शुमाल न हो, जुनूब न हो, मशरिक न हो, मगरिब न हो, जहां फौक न हो, जहां पस्त न हो, जहां जिहात न हो, जहां सिमते न हो, वहां दिल किसी की तरफ मुड़ जाए, दिल किसी की तरफ झुक जाए तो उसको रुखे हयात कहते हैं। देखिए ये मसाइल अहम हैं और इन मसाइल पर बड़े आहिस्ता आहिस्ता गौर व फिक्र के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इत्तेसाल बिल गैब, विलायत इत्तेसाल बिल गैब, इत्तेसाल बिल गैब है तो जाहिर है हमको हुक्म, हमको हुक्म हुआ कि खालिक की तरफ रुके हयात रहे। इंसान से इंसान तक लाखों मरातिब है,
हम भी अपना रुख हयात खालिक की तरफ रखते हैं, साहिबान ईमान का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, साहिबान तकवा का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, औलिया का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, अंबिया का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, रसूलों का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, अंबियाए उलुल आजम का रुख हयात भी खालिक की तरफ है, और उनमें से एक इंसान का रुख हयात भी खालिक की तरफ है कि दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन हो अदना, इतना नजदीक हुआ कि जैसे डोल हो जाता है हाथ में, बल्कि जैसे दो कमान आपस में मिल गए। वो इतना करीब हो गया, आप भी चाहते हैं कि करीब रहें, वो भी करीब है, तो दोनों की कुर्बत में, दोनों की विलायत में कोई फर्क है? अब कोई फर्क होगा ना, बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क। इसलिए ये तय किया कि चूंकि अभी आपका इत्तेसाल बिलगैब, इत्तेसाल बिलगैब कामिल नहीं है, अभी आप अपने इब्तदाई मदारिज पर हैं, इसलिए यही हुक्म हुआ, यही हुक्म हुआ कि जिनको दर्जा कमाल मिल गया है उस इत्तेसाल का, उनके साये विलायत में जियो, साये को क्या कहते हैं अरबी में, जिल, जेरे जिल विलायत आपकी मोहब्बत रहे, उनकी विलायत सरपरस्ती करे, वो रुख हयात खालिक की तरफ रखते हैं। अगर आपने किसी मौके पर अपनी परेशानी व हैरानी में उस इंसान को आवाज देने की कोशिश की जो मकाम कुर्ब कमाल पर है, तो आपने गलती नहीं की, इसलिए कि इत्तेसाल बिल गैब की मंजिल पर उसको हयात जावेदानी हासिल है, और वो जवाब देने की सलाहियत रखता है, वो आपके सवाल को सुनता है, उसको मालिक की बारगाह तक पहुंचाता है, और वहां से कोशिश करता है कि आपके लिए कोई फैसला सादिर हो। इसलिए हम जो मुस्तनद तरीन ज़ियारत जामिया है, उसमें इस मकाम पे आके ज़ियारत जामिया को ख़त्म करते हैं कि या औलिया अल्लाह, ऐ दोस्तान खुदा, इन बहीनी वो बैन अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुनूबन ला याती बिहा इल्ला रिज़ाकुम, ऐ दोस्तान खुदा, मैंने अपने माबूद के कुछ ऐसे भी गुनाह किए हैं, मैंने अपने माबूद के कुछ ऐसे भी गुनाह किए हैं, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान कुछ ऐसे गुनाह हाइल हैं कि मैं उन गुनाहों पर काबू नहीं पा सकता जब तक कि तुम्हारी खुशी शामिल हाल न हो जाए। या औलिया अल्लाह, इन बैनी वो बैन अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुनूबन ला याती बिहा इल्ला रिज़ाक, फबे हक मन तमनकुम अला सिर्रही वस्तरआकुम अला कल्कही, उसका वास्ता जिसने तुमको अपने राज का अमीन बनाया, ज़ियारत जामिया, उसका वास्ता
जिसने तुमको अपने रास कामीन बनाया, और उसका वास्ता कि जिसने तुमको मखलूक का निगहबान और दारा मुकर्रर किया कि लम्मस्तौहब तुम जुनूबी, कि तुम मेरे गुनाहों के लिए सिफारिशी बनो, दुआ करो, तुम मेरे लिए दुआ करो। देखिए इंसान गुनाह करता है, सिफारिश ले जाता है अपने माबूद के पास, दुनिया सिफारिश की कायल नहीं है, मैं मदारिस का कायल हूँ इसलिए सिफारिश का कायल हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं मदारिज इंसान का कायल हूं, इस दर्जे के बाद ये दर्जा, इस दर्जे के बाद ये दर्जा, तो हर दर्जे अदना के लिए हर दर्जे आला सिफारिश है। मुस्लिम, मोमिन, मुत्तकी, वली, नबी, रसूल, उलुल आजम, खत्मी मर्तबा, इतने मदारिज तो बजाहिर हैं। अब फिर मुस्लिम से मुस्लिम तक हजारों मदारिस, मोमिन से मोमिन तक हजारों मदारिस, मुत्तकी से मुत्तकी तक हजारों मदारिस। तो इतने मदारिस के बावजूद क्या आप ये नहीं समझते कि एक दर्जे बाला रखने वाला यकीनन दर्जे अदना के लिए सिपर है, निगहबान है, निगरान है, इसमें क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। जाते वालिब वाजिब मालिक कुल है, मुख्तार कुल है, वो इलाहुल आलमीन है, इख्तियार उसी का है, इख्तियार उसी का है। हम अगर किसी को वली समझते हैं तो उसके माना ये नहीं है कि इख्तियार इलाही से कुछ ले रहे हैं, बल्कि उसके दिए हुए इख्तियार का जिक्र कर रहे हैं, के दिए हुए अख्तियार का जिक्र कर रहे हैं कि उसने जो अख्तियार अपने बंदों को दिया है। अब रह गया ये सवाल कि इंसान तसव्वुर गुनाह क्यों करे। देखिए बहस एक मर्तबा बिगड़ती है और तबीयत से बार होता है ऐसे मौके पे जब इंसान एकाएक एक नई राय अख्तियार करे कि भाई वो खालिक कुल है, मुख्तार कुल है, सब कुछ उसी के हाथ में है, इल्लतुल इलल है, इल्लतुल इलल है, उसने हाबिल को भी पैदा किया, काबिल को भी पैदा किया, उसने मूसा को भी पैदा किया, फिरौन को भी पैदा किया, उसने इब्राहिम को भी पैदा किया, नमरूद को भी पैदा किया, मोहम्मद को भी पैदा किया, अबू लहब को भी पैदा किया, उसने दोस्त को भी पैदा किया, दुश्मन को भी पैदा किया, और फिर वो मौसर हकीकी है जिससे जो चाहे काम ले ले। जहां यह तसव्वुर आ गया, जहां यह तसव्वुर आ गया, फिर इंसानियत की तरक्कियां रुक गईं। बहुत बहुत तरक्कियां रुक गईं। क्यों? अब आपने कहा भाई आप जाने, आपका काम जाने, सब आप करवा रहे हैं काम, मैं तो एक आला हूं, एक इशारे पे काम कर रहा हूं, एक आपके लिए हथियार हूं, आप जिस तरह से चाहें मुझसे काम ले, मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, आप काम ले रहे हैं। जहां इंसान मजबूर समझेगा तरक्कियां रुक जाएंगी, जुमूद पैदा होगा, जुमूद पैदा होगा, जामिद होगा कि नहीं मैं तो मजबूर हूं, सब काम आप ले रहे हैं, सब काम आप ले, जो होना है वो तो लिख दिया गया है। देखिए ये गुफ्तगू अगर छिड़ गई और ये बात जहन में आई तो कितनी तकलीफ दे बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले एक मामूली सी चीज को याद रखें। मौलाना रूम मशहूर हमारे सूफी शायर हैं और उस्तादुल असातिज़ा समझे जाते हैं सूफिया इकराम में, और इनके मुतालिक जैसा कि आप जानते हैं कि इनके कलाम को
और इनके कलाम के 6 दफ्तर को बड़ी अहमियत हासिल है बाद बाद मुकामात पे, तो कुरान का हम मर्तबा बना दिया है, मसनवी ये मौलवी ये मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, इतना सब कुछ कह दिया गया। तो मौलाना रूम ने दफ्तर पंजुम में एक अजीब वाक़या लिखा, 5-6 शेर हैं फारसी के, मैं शेर नहीं पढ़ूँगा मजमे के लिए कि रास्त में उर्दू में तर्जमा करूँ। मौलाना रूम कहते हैं कि शुतरबान जा रहा था, शुतरबान ऊँट को हाँकने वाला जा रहा था, बेख्तियार उसने किसी बात पे नाराज होकर ऊँट को मारना शुरू किया, ऊँट को मारना शुरू, ऊँट में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ, तो उसने पलट के लकड़ी पे हमला नहीं किया, मारने वाले पे हमला किया। मौलाना रूम कहते हैं तीसरे शेर में कि बिल्कुल इसी तरह एक शख्स ने कुत्ते को मारना शुरू किया लकड़ी से, कुत्ते ने मुड़ के और पलट के लकड़ी को नहीं काटा, मारने वाले को काटा। मौलाना रूम कहते हैं कि ऊंट के पास और कुत्ते के पास तो इंसान मुख्तार है, ऊंट के पास और कुत्ते के पास इंसान मुख्तार है, मगर इंसान खुद इंसान को मुख्तार नहीं था। ये मौलाना रूम की बहस है, आप समझ गए, इन्हें जानवर तक ये जानते हैं कि काम इसने किया है, काम इसने किया। और आपकी हद तक जाहिर है कि आज आपका नज्म व नसक पूरा इसी बात पर है कि ये इस काम का जिम्मेदार है, ये इस काम का जिम्मेदार है, ये इस काम का जिम्मेदार है, इसका सिला दो, इसका इसकी सजा दो। अगर इस्लाम यह तय कर ले कि नहीं सब कुछ उसी की तरफ से है, तो इस्लामी ममलकत में तो इस सिलसिले ही को खत्म हो जाना चाहिए। क्या अदालतें बंद, इंतजामिया बंद, सिला सजा सब बंद, तो सब उसकी तरफ से, वो उसकी तरफ से। तो हुआ ये था कि किसी जमाने में बाइख्तदार तबका, किसी जमाने में बाइख्तदार तबका जो एक तरफ मुस्लिम सल्तनत का नुमाइंदा रहना चाहता था, यानी वो ये नहीं कह सकता था कि हम मुसलमान नहीं हैं इसलिए कि तख्त निकल जाता है हाथ से, और दूसरी तरफ ये चाहता था कि जो हकीकत में इस्लाम के नुमाइंदे हैं उनको रास्तों से हटा दो, उनको रास्तों से हटा दो ताकि उनके वजूद से, देखिए बड़े अहम जुमले, उनके वजूद से कहीं हमारी हकीकत ना खुल जाए, के होने से हमारी हकीकत न खुल जाए कि ये जोहद है, ये फिस्क व फुजूर है, ये ईमान है, ये कुफर है, ये न पता चले, इसलिए कोशिश की कि इनको रास्ते से हटा दो। अब जिसने जिसको कत्ल किया वो एक पर्दा बीच में रखा और कहा कि हाँ कत्ल हो गए, कत्ल हो गए, अल्लाह की मर्जी यही थी। वो चाहता तो बचा भी लेता, जाहिर है वो चाहता तो बचा लेता, मगर मकाम विलायत यही है कि वो अपने बंदे को मसाइब का शिकार होता हुआ देखे और उसके बाद उसकी दास्तान में इतना दर्द भर दे कि शाहियां आनी और फानी हो जाए, मजलूम कयामत तक रह जाए। मैंने जहमत दी, आज की हद तक
चूंकि बहस एक इल्मी मसाले पे छिड़ी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सिलसिला रहे और हम इस सिलसिले को तफसील के साथ अपने इसी मबाहिस के दौरान में तय करें। वक्त नहीं कि हुसैन को कत्ल कर दो ताकि तमीज हट जाए। हुसैन तो कत्ल हो गए, हुसैन तो कत्ल हो गए, मगर इन्हीं की बदबख्ती ये थी हुकूमत की कि उन्होंने कुछ न जाना कि सैदानियों के दरबार में आने का नतीजा क्या होगा, आबिद बीमार के दरबार में आने का नतीजा क्या होगा। जिस चीज के मुतालिक वो कोशिश कर रहे थे वही हुआ, हकीकत खुल गई, हकीकत खुल गई, पता चल गया कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, आबिद बीमार का मकाम क्या है, यजीद की शख्सियत क्या है, सब पे खुल गए। और उसके बाद उसने घबरा के दरबार को बर्खास्त किया, कब भेज दो कैदखाने, कैदखाने में गए। मैं सिलसिले कलाम के साथ हूं, वहां एक ऐसा हादसा हुआ कि अब शाम वाले भी परेशान हो गए, शाम वाले भी परेशान हो गए। ज़ौजे यजीद हिंदा बिनत आमिर इब्न अब्दुल्लाह ने अपने शौहर से कहा कि यजीद जो होना था हो गया, बड़ा जुल्म किया तूने। और जाहिर है कि अब ये बात आम हो गई, ये राज फाश हो चुका कि किसका घराना है, कौन लोग हैं। अगर तू इजाजत दे तो मैं कसरे शाही में अली की बेटी को बुलाऊं। कहा तेरी मर्जी। हिंदा आई कैद खाने में, और यही वो रिवायत है जिसकी बिना पर तमाम मरसिया गो हजरात ने वो मरसिया कहे जब सुनी हिंद के आने की खबर ज़ैनब ने। कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, ये इसी रिवायत की बिना पर है कि हिंदा कैद खाने में आई, आई मगर इस तरह से नहीं आई कि अजनबी थी, जानती हुई पहचानती हुई आई, सबको सलाम किया, शहजादी ज़ैनब के करीब जाके बैठ गई, हाथों को जोड़ा और कहा शहजादी क्या यह मुमकिन है कि आज आप मेरे घर पे जहमत करें। जनाब ज़ैनब ने कहा हिंदा क्या करेगी, एक पिसर मुर्दा, बिरादर मुर्दा, एक असीर मेहन औरत को बुला के क्या चाहती है। क्या शहजादी मेरी बड़ी तमन्ना है कि मेरे घर में आए, शाम की औरतों का बड़ा तकाजा है, बीबी बड़ा तकाजा है, सबके सब आपको देखना चाहती है। आबिद बीमार के करीब जनाब ज़ैनब आई और कहा फरजंद रसूल हिंदा की ख्वाहिश है कि मैं उसके घर जाऊं, आपकी इजाजत है। फूफी अम्मा आपकी मर्जी, आप सब कुछ है, आप मेरी भी बुजुर्ग है। का अच्छा हिंदा मैं आऊं, बस इतना कहना था कि उन्हें बाहर निकलते ही एक मरतबा इंतजाम जो किए तो कैद खाने के दरवाजे से लेकर कसर शाही तक दो रुया कनीजों की कतारें खड़ी कर और का रास्ते बंद करो, अली की बेटी आ रही है, खबरदार कोई मर्द इधर ना आए, फातिमा की बेटी आ रही है, रास्तों को रोका। हर घराने को ये इत्तला मिली कि किसी के मर्द बाहर नहीं निकलेंगे, और इस तरह से शहजादियों
शाम के वक्त जिंदान से चली कसर दारुल अमारा पहुंची तो एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब की नजर पड़ी, देखा भाई का सर आवेदा है, वहीं रुक गई और काल क्यों हिंदा दावत का यही तरीका होता कि बहन को बुलाया है और भाई का सर दरवाजे पर। उसने यजीद के पास कहला भेजा कि सर उतरवा दे। सर को उतारा गया तो शहजादी ज़ैनब ने कहा मुझे दे दे, मुद्दत से बिछड़ी हुई है, मेरे हाथ में दे दे सर। भाई का सर बहन ने लिया और आई और बजाय इसके कि दालान में फर्श बिछा हुआ था वहां जाके बैठती, जमीन पे बैठ गई। हिंदा ने हाथ जोड़ के कहा बीबी ऊपर आपके लिए फर्श है, तो कहा हिंदा अब ज़ैनब कभी फर्श पर नहीं बैठी। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदा बंदा हमको कामिल ईमान कर, हमारे हवाइज दीनी दुनियावी बदलाव, मिल्लत को मुत्तहिद कर, मम्लकत को मुस्तकम फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता फरमा, तौजील फरमा। تهدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وطهرهم تطهيرا ہم ظاہر ہے کہ ایک اہم مضمون ہے، ایک اہم موضوع ہے، ہم اس پر بحث کیے جا رہے ہیں۔ ایک معذرت کروں آپ سے، ایک تقریر کے دوران میں وہ یہ کہ جب ہم نے محرم کے بعد مجلسیں شروع کی تو عادتاً رضویہ کالونی کی مجلسیں 21 محرم سے شروع ہوئیں اور چاند 29 ہو گیا، اس لیے پہلی سفر کو وہاں کی آخری مجلس تھی۔ اس کے بعد حسینیہ سجادیہ کی مجلسیں شروع ہوئیں دوسری سفر سے، جو 11 سفر کو ختم ہوئیں، اور یہاں کی مجلسیں 12 سفر کو شروع ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ میں روز اربعین تقریر نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ شام کا وقت ہے اور جلوس میں شرکت بھی لازم ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا رہوں گا، اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی عنوان پر تقریر کرتے ہوئے میں اتوار کو آپ کو دو مرتبہ زحمت دوں گا، ایک صبح کے ٹھیک 10 بجے اور ایک رات کے ٹھیک 8:30 بجے، یعنی اسی سلسلے کی ایک مجلس میں دن میں بڑھا رہا ہوں تاکہ کم از کم میں 9 مجلسیں مکمل کر لوں، ایک مجلس پھر کبھی ہو جائے گی۔ صلوات تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں
कि विलायत तकवीनी के लिए ذات واجب अपने कुछ बंदों को मखसूस कर लेती है, यख्तसो बिरहमत ही मन यशा, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मखसूस कर ले अपनी रहमत से, और जिसको वो मकाम अता होता है, जिसको वो मकाम अता होता है वहां वहां तसर्रुफ है, वहां इख्तियार है, वहां कुदरत है, वहां इल्म है। तो दुनिया अगर विलायत की मंजिल पर यह समझ रही है कि वली है, वली है इसलिए हाथों पर बाब कैबर है, तो हैरानी की बात नहीं, वली है इसलिए कहता है सलूनी। सलूनी कहता है, और सलूनी की मंजिल यह है कि जहां कोई मदीना इल्म हो और वो सराहत कर दे कि आना हो तो इस रास्ते से आए, आना हो तो इस रास्ते से आए, तो इल्म की मंजिल पर उसे कमाल हासिल है। अगर किसी ने उसमें कुव्वत मलकूती को देखा या मावराए इंसान कुव्वत को देखा तो उसको परेशानी की जरूरत नहीं है, इल्म भी दिया है, इल्म भी दिया, इल्म की मंजिल पर देखा तो मारिफत की मंजिल पर देखे, मारिफत भी इतनी हासिल है, इतनी हासिल है कि जब वो मकाम मारिफत पे गुफ्तगू करता है तो दुनिया हैरान है, इलाही जिस मकाम पर दुआए सबाह में वो अपने माबूद को मुखातब कर रहे हैं कि परवरदिगार परवरदिगार क्या तू उस साइल को महरूम लौटा देगा जो तेरे दरवाजे पर तेरी मारिफत की भीख मांगने के लिए आया हो। अतुखय्यब मुस्तरशदन कसदा इला जनाब कसाया, परवरदिगार क्या तू उस प्यासे को महरूम कर देगा जो तेरे चश्माए मारिफत पर पानी पीने के लिए आया हो और प्यास बुझाने के लिए आया हो। परवरदिगार क्या तू उस मिस्कीन को महरूम कर देगा जो सबसे कट कर तेरे आस्ताने पर पड़ा हुआ हो, तो मकाम मारिफत पर जहां ये बातें कुमैल और सलमान की नजर से गुजरती हैं, तो दोनों के लिए वो मनाजिल नजर आते हैं, वो मनाजिल नजर आते हैं कि जहां हैरत सी हैरत होती है, और उसके बाद ये पता चलता है कि अब मारिफत रब का सवाल नहीं है, मारिफत वली का सवाल है, मारिफत वली का सवाल है। ये गुफ्तगू की आखिरी मंजिल, या सलमान या जुंदब, जुंदब अबू जर को पुकारते हैं अमीर मोमिनीन, या सलमान या जुंदब मारिफती बिन नूरानिया मारिफतुल्लाह, नूरानियत के साथ मेरी मारिफत अल्लाह की मारिफत है, नूरानियत के साथ मेरी मारिफत अल्लाह की मारिफत है। तो अब इस मंजिल पर एक ही बहस रह जाती है, और वो बहस ये है, वो एक ही बहस रह जाती है, वो बहस ये है कि जिस सिलसिले को आप लेकर जाएं, सोचें क्या वो अल्फाज जिनको हम अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उसी तरह का इस्तेमाल शरा में भी करेंगे। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूं ताकि विलायत का मफहूम और वाज़े हो जाए। वो अल्फाज जो लगत में इस्तेमाल होते हैं, क्या उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे बाबुल इबादात में, बाबुल अहकाम में,
या आपके अकायद में, आपकी फिक्र में वही उतर उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे आप। मिसाल मिसाल ये कि आपने ट्यूबलाइट को देख के कहा कि इससे नूर साते हो रहा है। नूर का माना आपके पास ये है कि चिराग रोशन हो जाए। नूर के माने आपके पास ये है कि अंधेरा हो, कहीं से करने आए, करण आए, शुआ आए, तो आपने कहा नूर है, आपने कहा नूर है। अगर यही तसव्वुर आप लेकर जाएं, यही तसव्वुर लेकर जाएं आप वली की नूरानियत के लिए, तो वही झगड़ा होगा जो इस वक्त जिस झगड़े से मुसलमान गुजर रहे हैं कि आप नूर कैसे कहते हैं। अरे नूर भाई इस अंदाज में नहीं है जिसको आप रोशनी या चराग कहें। यह तो इल्म का नूर है, फिक्र का नूर है, मारिफत का नूर है, हकीकत शनासी का नूर है, मोहब्बत का नूर है, इरफान का नूर है। बिल्कुल उसी तरह एक विलायत का नूर, एक विलायत का नूर है। और वो नूर विलायत वो है कि जहाँ इंसान ये महसूस करता है, ये महसूस करता है कि हम इस लफ्ज को इस तरह से इस्तेमाल यहाँ नहीं होने देंगे। ये जरूरी नहीं है कि नाम लिया वली का और एक मर्तबा अंधेरे में उजाला हो गया। इस वास्ते कि आपका अंधेरा जिसको आप रोशनी का न होना कहते हैं ये मजाजी है। उस मजाजी अंधेरे के लिए मजाजी चराग लाइए, मजाजी अंधेरे के लिए मजाजी चराग लाइए। मगर जो जहल का अंधेरा है, जो आदम मारिफत का अंधेरा है, जो न जानने का अंधेरा है, जो दूरी हक का अंधेरा है, उस अंधेरे में रोशनी के लिए बजुद विलायत के कोई और नूर नहीं है। नारे तो आपने देखा कि इस एक चीज को आप कई मिसालों में समझने की कोशिश करें कि क्या लुगत में इस्तेमाल शुदा अल्फाज को आप अकीदे के एतबार से भी उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो माना बदल जाते हैं। हज के माने खज्द के हैं, हज के माने लुगत में इरादे के हैं। क्या फकत इरादा है या कुछ अरकान की तकमील को हज कहते हैं? जकात के माने पाक होना, फकत पाक होना है या कोई देना भी है? सलात के माने दुआ, फकत दुआ करना है या कुछ अरकान को अदा करना है? मैंने बारहा कहा है शारे मुकद्दस जब लुगत से किसी लफ्ज को लेता है, जब लुगत से किसी लफ्ज को लेता है तो फिर लुगत को वापस नहीं देता। शारे का अपना इख्तियार, अपना इख्तियार है कि जिस लफ्ज को चाहे रोक ले, जिस लफ्ज को चाहे रोक ले और जिस लफ्ज को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करे। ये शारे का हक है, ये शारे का हक है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह वली और उसके साथ ही अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीनों का। तो उसके माना ये नहीं कि आफ्ताब है, उसके ये माना नहीं कि महताब है। अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीनों का। जहां 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 एहतियाज का अंधेरा है, जहां जहां एहतियाज का अंधेरा है वहां समदियत का नूर है। मैंने जहमत दी और जाहिर है कि मैं सिर्फ यह चाहता था कि आज एक ऐसी बुनियादी फिक्र आ जाए आपके जहन में जहाँ से कल हम मुसलसल हो जाएं। तो अब इसको आप याद रखेंगे कि हम जिन अल्फाज को अपने रोज़मर्रा के लिए रख छोड़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, क्या उसी अंदाज में हम शरीयत में सोचेंगे?
ये हम कल बहस करें। और आज तकरीर को खात्मे पर पहुंचाते हुए एक बात, वो ये कि अल्लाह ने